उस बड़े चमकीले वाले को नॉर्थ स्टार कहते हैं। और उसके बगल में छोटा स्टार? मुझे पक्का पता नहीं कि उसका नाम है या नहीं। छोटी चीजों पर कभी कोई भी ध्यान नहीं देता है। वो छोटा जरूर है लेकिन फिर भी स्टार है। ओ, ये देखो। सबने देखा उसे? वो कौन सा स्टार है? वो स्टार नहीं है, वो तो मीटियोर है जो सीधा वेवर्ड आइलैंड की तरफ जा रहा है। अच्छा वो वहाँ कोई रहता नहीं है। तो मुझे पता है कि कल हम क्या करेंगे। मैंने कभी मीटियोर इतने पास से नहीं देखा क्योंकि कभी पहले देखा ही नहीं था। अफसोस की बात है कि डॉगरिन कुछ दिनों के लिए मेनलैंड गए हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आता। टीम हमें ये पता करना होगा कि वो मीटियोर कहाँ गिरा था और ये पक्का करना होगा कि उससे कोई खतरा तो नहीं। थोड़ी जल्दी करते हैं, ये जगह मुझे अजीब लग रही है। यहाँ पर कोई है। सोए थे चार बॉज कहीं पर, चालीस सालों बाद नई जगह पर, बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। एक और बॉट। और ये येलो है, बढ़िया। ये तो बम्बल भी है, हमारी खुशनसीबी। मैं हूँ हीटवेव बोल्डर। और मैं हूँ चेस। हमने आपके बारे में बहुत से किस्से सुने हैं। ब्लेड्स, क्या तुम हमें बताओगे कि तुम्हारा ये दोस्त क्या कह रहा है? बम्बल भी ऑप्टिमस प्राइम की टीम का हिस्सा है, वो एक मशहूर जासूस और सैनिक है। और कैसे हो तुम? मैं हूँ बम्बल भी। नहीं, मेरा मतलब तुम हो बम्बल भी, मैं तो ब्लेड्स। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लगता है कोई अपने होश खो बैठा है ना? जंग के मैदान में बम्बल बी ने अपना वॉइस बॉक्स खो दिया था। ये कह रहा है कि ये मीटियोर का पीछा कर रहा था और जब देखा कि वो ग्रिफिन रॉक के बहुत पास गिरा है तो इसने यहाँ आकर उसे ढूंढने में हमारी मदद करने का फैसला किया। मेरी खुशकिस्मती है। टीम में तुम्हारा स्वागत है मिस्टर बी। बम्बल बी पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे, उन्होंने कुछ पेड़ गिरे देखे जिससे लगता है मीटियोर वहीं गिरा है। बहुत अच्छे, बाकी हम सब यहाँ नीचे घाटी में ही फैल जाएंगे। ब्लेड्स, जानी, तुम दोनों ऊपर से नजर रखना, कोई जल्दबाजी मत करना। देखकर चलो। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक मिशन पर बम्बल बी के साथ हूँ। ब्लेड्स, हमें फिलहाल मीटियोर को ढूंढना है, याद है ना? हाँ, मीटियोर वो तो वहीं नीचे है, जरा अपनी दाएं तरफ देखो। डैड, वो मिल गया, वो लगून के पास नीचे क्लियरिंग में है। पता नहीं हम वहाँ लैंड कर पाएंगे या नहीं, काफी घना इलाका है। अब कोई खतरा मत लेना, हम मीटियोर को ढूंढ लेंगे। ब्लेड्स, प्लीज बम्बल बी को बता दो कि हम कहाँ हैं। इसका मतलब मैं उससे बात करूं? ठीक है। हमें इसका मुआयना करने दीजिए चीफ, हो सकता है ये स्पेस से कुछ लेकर आया हो जो इंसानों के लिए खतरनाक हो।
रेडिएशन या गामा पार्टिकल्स का कोई नामो निशान नहीं है। आप यहाँ आ सकते हैं। बम्बल बी को भी बैठा लेते हैं। हम वहाँ नीचे नहीं जा सकते ब्लेड्स, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। मैं कर सकता हूँ। बम्बल बी, इसे पकड़ लो और हम। मैं फंस गया। मैंने कैसी बेवकूफी कर दी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वैसे उसने कहा क्या? कभी कभी आप खुद रेस्क्यू करते हो और कभी कभी खुद रेस्क्यू होते हो। लगता है मीटियोर पृथ्वी के सोलर सिस्टम के अंदर से ही आया है। ये पक्का कर लेते हैं कि और कहीं भी आग नहीं लगी है। मैं इसे लेकर कोई खतरा नहीं उठाना चाहता। डैनी, यहाँ नीचे हमारा काम हो गया है, तुम कहाँ पर हो? सॉरी दोस्तों, हम फंस गए थे। तुम्हें बोट पर मिलते हैं, ठीक है? हाँ, कर तो सकते हैं। क्या बम्बल बी भी हमारे साथ वापस चल सकता है? वो हमारे कॉम स्क्रीन से ऑप्टिमस प्राइम से बात करना चाहता है। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जरा एक मिनट, आप यहाँ हमारे साथ हैं ये ऑप्टिमस को पता है ना? वो कह रहे हैं पूरी तरह नहीं। इतना तो मैं अभी समझ गया। वैसे मैं मदद करने की तुम्हारी इच्छा की कद्र करता हूँ बम्बल बे, लेकिन मेरी जानकारी के बिना तुम्हारे मिशन पर जाने को अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन ये सुनकर कि जो मीटियोर तुम्हें मिला है उससे कोई खतरा नहीं है, मुझे अच्छा लगा। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया रेस्क्यू बॉस। बम्बल बे, मेरी राय है कि तुम कुछ दिन और रेस्क्यू टीम के साथ रहो। देखो वो अपने इंसानी पार्टनरों के साथ कैसे काम करते हैं और एक दूसरे के साथ भी। ऑप्टिमस सर, आपकी टीम में अगर किसी की जरूरत हो तो। लगातार दिलचस्पी दिखाने के लिए शुक्रिया हीट वेव। रेस्क्यू बॉट्स, गुड लक। पहले तुम क्या करना पसंद करोगे, टीवी देखोगे या फिर गाना सुनोगे? मेरे पास जिम है, तो मुक्केबाजी के बारे में क्या ख्याल है? इंसानों ने गैर कानूनी बर्ताव को कोड्स में बदल दिया है। 459 मतलब चोरी करना, 594 आम शरारत, 263 बिना परमिट के डांस करना। ग्रिफिन रॉक के आर्किटेक्चरल टूर के बारे में क्या ख्याल है? शिंगल स्टाइल मेरा फेवरेट है। क्या तुम मेरी गोकार्ट देखना चाहोगे? इमरजेंसी टीम, पुरानी सड़क पर जिस पक्की दीवार की मरम्मत का काम किया गया था वो अब गिरने लगी है। अगर उसे जल्द से जल्द नहीं संभाला गया तो पहाड़ी का एक पूरा हिस्सा नीचे बने घरों के ऊपर गिर सकता है। वाह, तुम भी साथ चलो बम्बल बी और देखो हम कैसे काम करते हैं। फिलहाल अगर बम्बल बी स्टेशन पर कोड़ी के साथ रहे तो अच्छा होगा। ग्रिफिन रॉक में एक नए बॉट के बारे में बताना काफी मुश्किल हो सकता है। रेस्क्यू बोट्स बचाव के लिए तैयार। सही जगह पर कुछ गर्डर्स लगाने से वो इस दीवार को दोबारा पूरी बनने तक गिरने से रोके रखेंगे। बोल्डर, माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं। ओह हाँ, वो बहुत अच्छी टीम है। क्या हो गया? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ महसूस हुआ और फिर मैं बिना कुछ किए व्हीकल मोड में आ गया। वापस बॉट बनो, जल्दी करो बोल्डर, हम इसे रोक नहीं सकते। ये क्या हो रहा है? चाहे जो भी हो, मुझे डर है कि ये। दोस्तों थोड़ी मदद करो ना। उन घरों को खाली कराने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। डैड, मैं और बम्बल भी वहां आ रहे हैं, मैं उसे रोक नहीं पाया।
कोई बात नहीं बेटे, इस वक्त हमें मदद की बहुत जरूरत है। तुम सब पीछे हट जाओ, पता नहीं मैं इसे कब तक संभाल पाऊंगा। लगता है आज दूसरी बार रेस्क्यू होने का मेरा ही दिन है। दोस्तों क्या हुआ तुम्हें? काश पता होता। चलो वापस स्टेशन चलते हैं, हम वहीं पता लगा लेंगे। ब्लेड, अगर तुम और बम्बल भी पुरा ना मानो तो इस दीवार में कुछ और गर्डर्स लगाए जा सकते हैं। तुम जब चाहे चल सकते हो पार्टनर। ये बताने के लिए मैं माफी चाहता हूँ चीफ, लेकिन मैं व्हीकल मोड में खुद को किसी भी तरफ नहीं ले जा सकता। शायद आपको मेरे एक्सेलरेटर पर पैर रखना होगा। हीट वेव, कहते हुए तो बुरा लग रहा है लेकिन अब तुम मेरे इंचार्ज हो। एक अच्छी बात यह है कि ये एक बिल्कुल ही नया अनुभव है। मैं बम्बल बी के सामने खुद को साबित करने का बस एक मौका चाहता हूँ। तुमने पूरी कोशिश की ब्लेड्स, और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम व्हीकल मोड में भी जमे नहीं। वैसे इसे ऐसा ही होना चाहिए, मैं स्टीयरिंग घुमाऊं और तुम चलो। इतने खुश मत हो जाओ, जल्द से जल्द हम ये पता लगा लें। क्या कि मैं तुमसे अच्छा ड्राइवर हूँ? हीट वेव। मुझे अफसोस है, और भी बुरी खबर है। अब ये बोल भी नहीं सकते। क्या? नहीं, ये बस मजाक कर रहे हैं। बहुत अच्छे हीट वेव। बोल्डर, चेज, कुछ तो बोलो प्लीज। तो इसका मतलब कि अब ये सिर्फ कार्स हैं। हम ये पक्का तो नहीं कह सकते। सिर्फ ब्लेड्स ही ऐसा क्यों है जिस पर इसका असर नहीं हुआ? मीटियोर की वजह से तुम दोनों ऊपर रिज पर थे जबकि बाकी सब नीचे थे। उस ग्रीन डस्ट में जरूर कुछ रहा होगा। ऑप्टिमस उसको पता होगा क्या करना चाहिए। मैंने अपने मेडिक से बात की थी, उनके सिम्टम से लगता है कि तुम्हारे साथियों को एक पैरालिटिक रिएक्शन हो गया है जिसकी वजह वो है जिसे इंसान कहते हैं वायरस। ब्लेड्स, तुम्हारी रेस्क्यू शिप की इमरजेंसी रिस्पॉन्स इन्वेंट्री में इसका एंटीडोट आया था जो कि एक डिस्क में है जो इनके जैसी है। मुझे पता है वो कहाँ है, वो अभी हमारे पास ही है। सबसे पहले हमें पैरालिसिस होने की वजह पता करनी होगी, गलत इलाज का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। मेरे ख्याल से वो किसी तरह के माइकॉर्प थे जिसे मीटियर स्पेस से लाया होगा। तुम जरूर कोडी बर्न्स हो, वही बच्चा जो रेस्क्यू बॉट्स को पृथ्वी के तौर तरीके सिखाता रहा है। यस सर। थैंक यू कोडी, तुम्हारी अहम और कीमती मदद के लिए। बम्बलबी, चीफ बर्न्स और इनकी टीम के साथ काम करो ये पक्का करने के लिए कि मीटियोर पूरी तरह खत्म हो गया है। हमें दूसरे ऑटोबॉट्स के साथ ऐसा कुछ भी होने से रोकना होगा, चाहे वो गलती से हो या उनसे जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम ऐसा ही करेंगे सर। एक एक पल कीमती है, जितना ज्यादा वक्त बॉट्स पैरालाइज्ड रहेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वो उसी हालत में हमेशा के लिए रह जाएंगे। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये पूरी तरह खराब हो चुके हैं। और जरा उसे देखो, वायरस का असर बढ़ रहा है, वक्त बहुत ही कम है। इनमें से किसी एक में सही इलाज मौजूद है। सबसे पहले हमें मीटियोर का एकदम सही मिनरल कॉम्पोजिशन पता करना होगा। हमें वापस वेवुड आइलैंड जाना होगा, चट्टान से एक सैंपल लेना होगा और उसका आखिरी टुकड़ा तक मिटाना होगा। मैं जाऊंगा, मैं उस आइलैंड पर जल्दी जाकर वापस आ सकता हूँ। सवाल ही नहीं उठता, फिर तुम भी वायरस की चपेट में आकर बाकी सब की तरह नाकाम हो जाओगे। नहीं, तुम बम्बलबी और कोडी के साथ यहीं रुको। बम्बलबी जाने की जिद कर रहा है, वो कहता है कि ऑप्टिमस ने उसे खास तौर से आपके साथ काम करने के लिए कहा है और वैसे भी ऑटोबॉट्स को मीटियोर से खतरा है। ठीक है, लेकिन आइलैंड पहुंचने पर तुम बोट में ही रहोगे।
मौसम विभाग का कहना है कि हवाएं तेज होती जा रही हैं, हमें जल्दी जाना होगा। तुमने सुन लिया ना दोस्तों, हम तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर देंगे। कोडी, वो तुम्हें सुन नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से वो सुन सकते हैं। सब कुछ तैयार है ग्रहम? बिल्कुल, जैसे ही हमें सैंपल मिल जाएगा हम एक्सप्लोसिव डिवाइस को लगा देंगे और टाइमर सेट कर देंगे। हम सीधे उस रीफ की तरफ जा रहे हैं। लहरें बहुत ऊंची हैं। मैं बोट को नहीं संभाल सकता। ग्रहम, बम्बलबी अभी भी वहीं अंदर कहीं होना चाहिए। आज मैं रेस्क्यू करके रहूंगा। प्लीज डैड, हल सलामत है। अगर आप इसे पीछे ले लें तो हम बम्बलबी को ढूंढ सकते हैं। लगता है टक्कर लगने से इंजन खराब हो गया है। डैड, यहाँ एक और परेशानी है। पत्थर से टकराने से डेटोनेटर नीचे गिर गया और टाइमर ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है और इसका स्टॉप बटन खराब हो गया है। मैं इसे नहीं रोक सकता। हमारे पास 4 मिनट हैं। मैंने किसे रेस्क्यू किया? एक्सप्लोसिव डिवाइस बस फटने ही वाला है। तुम इसे समंदर में ले जा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या? वो तो आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। मीटियोर को उड़ाने के लिए। लेकिन इतना समय नहीं है। और सैंपल लाने की भी कोई उम्मीद नहीं है। अब कोशिश कीजिए। हमने कर दिखाया। लेकिन तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। देखो वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। ओह नो। सैंपल का क्या हुआ? इस साइबरट्रोनियन टेक का जवाब नहीं। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम सब अपने पुराने रूप में आ जाओगे। कोडी, अगर ये नहीं आए तो, अगर हम इन्हें कभी ठीक नहीं कर पाए तो। वो तुम्हें सुन सकते हैं। नहीं सुन सकते। तुम घबराना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसकी वजह डस्ट ही थी। ऑटोबॉट डेटाबेस में कोई हुबहू मैच तो नहीं है, लेकिन ये एक जाने माने कंपाउंड से इतना मिलता है कि इस एंटीडोट को काम करना चाहिए। पक्का?
वैसे मैं बता दूं, हम तुम्हें सुन सकते थे, तुम दोनों को। बम्बलबी थैंक्स कह रहा है, वो ऑप्टिमस को ये बता देगा कि सब कुछ ठीक है और वो वापस आने के लिए तैयार है। तुम उसका कहना समझ सकते हो? जब तक मैं अपना कैमरा नहीं ले आती कहीं मत जाना। ग्रुप फोटो। हमें भूल मत जाइएगा। संपर्क में रहना। मिलकर अच्छा लगा। ये पूछ रहा है कि कैसे सिर्फ अपनी और ब्लेड्स की फोटो मिलेगी? सच में? हाँ, लाजवाब। You're welcome.